अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप ही बना रही थी सुबह का नाश्ता। अगर मेरे मुंह में ज़्यादा जगह होती तो आप ही मुझे भी चूल्हे पर रख के पानी डाल के इसके अंदर चाय बना लेती मुझे भी। हालांकि ये चाय बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए थी। ये इसको इसने भी चूल्हे पर भी रख दिया, ये आप चेक करें। यानी मैं चॉकलेट गनाश बनाने के लिए रखती हूँ इसको। तो चॉकलेट गनाश हल्की आँच पर रखी जाती है, ऐसे खोलते हैं बनाना छोड़ दिया, और चॉकलेट ग्नाश बनाना छोड़ दिया तो उसने इसको चाय के लिए यूज़ करना। यानी कोई चीज़ वो खाली नहीं देख सकती। यकीन माने कि अगर मेरा मुंह थोड़ा सा बड़ा होता मुझ में पानी डालती और ये चूल्हे पे चढ़ा देती मुझे चूल्हे पे रखे हैं। अगर आप हीट रेजिस्टेंट होती तो हाँ, हीट नहीं नहीं मैं हीट रेजिस्टेंट ना भी होती तो फिर भी चढ़ा देनी थी, कानों में पानी डाल के, नाक में पानी डाल के, बस ये बॉयल हो जाए किसी तरीके से। माँ ठीक है ना, शर्म क्या करो, ये सॉस पैन इसका ये वो है, हल्की आँच का है, इस पर चाय बन रही है। जस्ट इमेजिन किचन में ना हो तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कौन सी दुनिया में होती है ये समझ में नहीं आती। बहरहाल ये देखें आप, ये जो उंगलियां इसने नीचे से जला दी तो इसने इसको जली हुई साइड को नीचे कर दिया और जो ब्राउन थी वो ऊपर कर दिया। आप ये चेक करें ज़रा, ये केक के लिए लाई थी, इसमें चाय बन रही है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा बहरहाल मुझे एक साहब ने जो है वो फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत आजमूदा नुस्खा है, जो बस अल्लाह ताला हर मुसलमान को महफूज रखे, मर्द औरत को, बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे परवरदिगार। उन्होंने कहा कि ये आजमूदा नुस्खा है। कह रही है हमारे पड़ोस में एक साहिबा को कैंसर था तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी, उनके घर वाले भी परेशान थे। तो कहीं थी ये आप जो है वो अब व्लॉग बनाती हैं तो आप ये प्लीज़ अपने व्लॉग पे डाल दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी, इससे लोगों को शिफा मिलेगी तो हमें मुझे दुआ देंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका नाम बता दूं? कह लेंगे नहीं, बस उनके उनको कहिएगा अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने नुस्खा कुछ इस तरह से बताया है कि सुबह की नमाज के बाद यानी फजर की नमाज के बाद 100 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, या कोई सा भी दुरूद जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ लें, सादा दुरूद भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ के 70 दफ़ा जो है वो 4 कुल होते हैं, आप 3 कुल पढ़ेंगे, कुल या यूहल काफिलून आपकी मर्ज़ी, पढ़नी है पढ़ें, नहीं पढ़नी ना पढ़ें। 70 दफ़ा कुल अल्लाह, 70 दफ़ा सारे कुल, कुल या यूहल काफिलून को निकाल कर, और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, उसके बाद फिर 100 दफ़ा जो है वो दुरूद पढ़ें। कह लेंगी कि ना इससे मेरी पड़ोसन का कैंसर तो ठीक हुआ होगा, क्वेटा की वो रहने वाली हैं, उनके उनका लहजा भी पठानी था। उन्होंने कहा कि वो दरअसल उनसे मुलाकात मेरी बहुत 6-8 महीने पहले हुई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही मैसेज किया था, तो हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात हुई थी, वो आई हुई थी किसी सिलसिले में नज़ले खांसी के लिए, तो मुझे उन्होंने अब बताया। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो खातून उनकी पड़ोसन इस चीज़ से ठीक हुई, कैंसर से उनको शिफा मिली, तो उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ के डॉक्टर को जाके ये बताया कि आप प्लीज़ ये जो आपके पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं उनको ये आप मेहरबानी करके ये नुस्खा बताएं और अपनी दवा भी दें और उनको कहें कि ये नुस्खा जो है वो प्लीज़ जो कुरानी नुस्खा है, वजीफ़ा है, वो ये ज़रूर करें। तो तकरीबन कोई 6 महीने बाद कह रही हैं उस डॉक्टर से उन खातून की दोबारा मुलाकात हुई, वो रेगुलर चेकअप के लिए उनके पास गई थी, तो उन्होंने कहा कि 24 पेशेंट्स कैंसर से शिफायाब हो चुके हैं। यकीन माने मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। साइमा जो पाकिस्तान में है वो भी कैंसर से जूझ रही हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत दे। जो भी कैंसर का पेशेंट है उसे वो डरे ना, बस अल्लाह ताला से हम सब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आप ये वजीफ़ा करें, यकीन माने कि आपको शिफा होगी। बहरहाल ये उनकी अमानत थी, मैंने आपके पास पहुंचा दी। ये बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त और यहाँ पे यानी 6 घंटे बारिश होती है, उसके बाद ऐसी धूप निकलती है, और माशाल्लाह यहाँ का सीवरेज सिस्टम इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि रोडों पर पानी होता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए रोडों पे पानी जमा, बहुत ज़्यादा देर तक जमा होगा तो आधे से 1.25 घंटा जमा होगा, उसके बाद वो अपने अपने जो है वो सेवरेज सिस्टम में चला जाता है। बहरहाल हम लोग ये घूम रहे थे और हम लोगों को शॉपिंग भी करनी थी, थोड़े से हम लोग भूख भी लग रही थी, हमारे मियाँ ने बोला चलो पहले खाना खा लेते हैं बाद में जो है वो शॉपिंग वगैरह करेंगे। हम लोग इधर एक कौन सा आप ही रोड है, ये जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर ये रोड है मजाज के पीछे की तरफ है, तो हमने बोला चले यहाँ से खाना खाते हैं। हमारे मियाँ यहाँ ले गए थे, बहुत एक्सपेंसिव खाना है लेकिन वर्थ नहीं है,
उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं, खाना टेस्टी था लेकिन है पहले भी हम लोग काफ़ी दफ़ा खा चुके हैं, लेकिन ये है कि इस दफ़ा तो इनकी सर्विसेज बहुत ही बेकार थी। मतलब ये कि खाना रख गए थे तो रोटी नहीं आ रही थी, रोटी रख गए थे तो सालन नहीं आ रहा था, इस तरह का सिस्टम कुछ बना हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जहाँ रिस्क मिल जाए अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम लोग इस रिस्क की नहीं, हम लोग यहाँ की सर्विसेज की बात कर रहे हैं। और एक साहब ने कमेंट किया था कि सऊदी अरब गए उमरे के लिए गए हैं तो आप लोग जो है वो खाने को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। हम कोई मक्का मुकर्रमा के या मदीना मुनव्वरा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, हम वहाँ के खाने की बात करते। क्या आप कह रही थी कि आप जो है वो लोगों को इस जगह से बदगुमान कर रही हैं कि उधर नहीं जाएं आप लोग। मैंने कब कहा, मैंने कहा हम लोगों ने कब कहा कि आप जो है वो उम्रा या हज ना करें या कुछ ना करें। हम तो वहाँ के खाने का कह रहे हैं कि वहाँ अगर बंदा जाए तो अपना कुछ सिस्टम करके जाए खाने का, क्योंकि वहाँ का खाना बच्चे भी नहीं खा पाते, बच्चे बीमार हो जाते हैं भूख से। ठीक है, कब तक बंदा जो है वो वहाँ पर लोगों को बच्चों को खुबोजिया वो खिलाता रहेगा, केक खिलाता रहेगा। लाजिम प्रॉपर खाना होना चाहिए ना, तो बच्चे वहाँ पे जाके खाना नहीं खाते। तो मैं ये कह रही थी कि अपना सिस्टम खाने पीने का यहाँ से जैसे बना बनाया कुछ ले गए वहाँ पे जाके फ्रीज़ करवा दिया फिर गर्म कर लिया खा लिया, ये आप कुछ ऐसा सिस्टम आप करके लेके जाएं। जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो बताते हैं कि हम तो अपना चूल्हा साथ लेके जाते हैं, वहीं रूम में रख लेते हैं, पतीली ले जाते हैं, चार पाँच चम्मच ले जाते हैं, प्लेटें ले जाते हैं, वहीं पर हम लोग पकाते हैं, ये सिस्टम अच्छा है। मैं ये कह रही थी, बहरहाल जिसको जो दिल करे वो सोच सकता है, हर कोई अपने दिमाग के हिसाब से सोचता है कि उसके दिमाग में कितनी गंदगी है कितनी सफाई है उस हिसाब से सोचता है। आप ही ने अमेज़ोन से ये जेल ग्लव्स मंगवाए थे और सॉक्स मंगवाए थे, इनमें आप वैसलीन लगाएं अपने पैरों को और हाथों को और पहन लें, आधा एक घंटा पहने रहें या रात को सोते वक्त लगा लें एक आध घंटा, फिर आप जो है वो उतार दें, इनको बहुत अच्छे हाथ और पैर हो जाते हैं। बहरहाल मुंह पर भी आप जो है वो वैसलीन हल्की फुल्की लगा के सो जाएँ तो झुर्रियाँ कम आती हैं इससे। अच्छा, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और नाराज़ मत हुआ कीजिए किसी बात से, और कोई बात हमारी गलत है तो हमको एक्सक्यूज़ कर दिया कीजिए।